नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर रविकांत निरंकारी, एमडी चाइल्ड स्पेशलिस्ट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो नवजात शिशु हैं, यानी कि न्यूबॉर्न बेबीज हैं, उनके शुरुआत के एक महीने में उनका जो ग्रोथ होता है वो कैसे होता है, वजन जो बढ़ता है किस स्पीड से बढ़ता है, डेली कितना वजन में चेंजेस आते हैं, बच्चे की जो लेंथ है वो किस स्पीड से बढ़ती है, बच्चे का जो हेड सरकमफेरेंस है यानी कि जो सर का साइज है वो किस तरीके से बढ़ता है, और बहुत सारे पेरेंट्स हैं उनकी कंप्लेन रहती है कि जो बर्थ का जो वेट था बच्चे का, यानी पैदाइशी वजन था, मान लिया 2.5 किलो था या 3 किलो था, तो हफ्ते भर के अंदर वजन घट गया है या कुछ कमज़ोर हमें बच्चा लग रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी हम जानेंगे कि ऐसा होता है वाकई में तो वो क्यों होता है, उसकी क्या वजह है। और इसके अलावा जो टर्म बेबी है, यानी कि जो पूरे 9 महीना बच्चा पेट में रहता है, और जो प्री टर्म है यानी कि जो 9 महीना से पहले पैदा हो जाते हैं, उनके जो वजन में क्या डिफरेंस होता है और किस स्पीड से वजन उनका घटता है और फिर किस स्पीड से बढ़ता है, तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में आज आपको मिलेगी। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगेगी, और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नवजात शिशु के शुरुआत के एक महीने की ग्रोथ के बारे में सारी जानकारी। देखिए, जो बर्थ वेट होता है, मान लें 2.5 किलो या 3 किलो जो बर्थ वेट है, शुरुआत के जो 10 दिन होते हैं या 7 दिन होते हैं उसमें बच्चे का वजन थोड़ा घटता है, और ये एक सामान्य प्रक्रिया है। इसके लिए आप परेशान नहीं होना है कि एक हफ्ता हो गया हमारे बच्चे का वजन 3 किलो था और वो 100-200 ग्राम कम हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, जो शरीर में जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड है, जो एक्स्ट्रा जो पानी की मात्रा होती है, वो शरीर से बाहर निकल जाती है शुरुआत के 7-8 दिनों के अंदर, तो उस वजह से बच्चे का जो वजन है वो घटता है। और वो कितना घटता है, जो टर्म बेबी है यानी कि जो पूरे 9 महीना पर पैदा हुए हैं, उनका जो बर्थ वेट है उसका लगभग 5 से 10% तक का उसमें वजन जो है घट जाता है। और जो प्री टर्म बेबी हैं, यानी कि जो 9 महीना से पहले पैदा हो गए हैं, उनमें ये थोड़ा और ज़्यादा हो सकता है, यानी कि 15% तक भी उनका जो बर्थ वेट है वो उस बर्थ वेट का 15% तक भी शुरुआत के हफ्ते या 10 दिन तक वजन घट सकता है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर बच्चा 2.5 किलो का पैदा हुआ है तो लगभग लगभग उसका 125 ग्राम से लेकर के 250 ग्राम तक वजन जो है शुरुआत के 7-8 दिन में घटता है। और अगर 3 किलो का बच्चा पैदा हुआ है, बर्थ के समय उसका वजन 3 किलो है, तो शुरुआत के हफ्ते 10 दिन के अंदर 150 ग्राम से लेकर के 300 ग्राम तक बच्चे का वजन कम हो सकता है, और ये एक सामान्य प्रक्रिया है, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फिर 7वें-8वें दिन के बाद से बच्चे का वजन फिर बढ़ना शुरू होता है, और इसमें क्या होता है कि जब बच्चा 14 दिन के आसपास हो जाता है, यानी कि 2 हफ्ते का, तो जो बर्थ वेट है वो वापस बच्चा अपना रिगेन कर लेता है। ठीक है, तो इसमें जो शुरुआत में 1 हफ्ता वजन घटता है, फिर उसके बाद वो बढ़ना शुरू होता है, तो 2 हफ्ते का जब बच्चा आता है तो उसका जो वजन है वो उसके बर्थ वेट के बराबर ही लगभग होता है। और ये पहले वजन घटना और फिर बढ़ना ये एक सामान्य प्रक्रिया है, नॉर्मल चीज है, इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब चलिए अब जान लेते हैं कि बच्चे का जो लंबाई है, उसका हेड सरकमफेरेंस है, और वेट है किस स्पीड से बढ़ता है। पहले बात करेंगे वेट की। देखिए, जो टर्म बेबी होते हैं, जो पूरे 9 महीना पेट में रह करके पैदा होते हैं, उनका जो वजन का गेन होता है डेली का 10 से लेकर 20 ग्राम पर किलोग्राम पर डे के स्पीड से होता है, और जो प्री टर्म है वो 15 से 20 ग्राम पर किलोग्राम पर डे की स्पीड से बढ़ते हैं। ठीक है, चलो उसको एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं कि मान लिया बच्चे का वजन 2 किलो है पैदाइश के समय, तो उसका जो डेली वेट बढ़ेगा वो लगभग 20 से लेकर के 40 ग्राम वजन उसका प्रतिदिन बढ़ेगा। ठीक है, जो 2.5 किलो का बच्चा होगा तो उसका 10 से 20 ग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 25 से लेकर के 50 ग्राम तक उसका वजन दो रोज बढ़ सकता है। और जिनका वजन 3 किलो पैदाइश के समय था, जिन बच्चों का, उनका जो वजन का गेन होगा वो प्रतिदिन 30 ग्राम से लेकर के 60 ग्राम तक प्रतिदिन उनका वजन बढ़ेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करेंगे कि एक महीने में बच्चे का वजन कितना बढ़ेगा, तो लगभग लगभग 1 किलो से लेकर के 1.5 किलो तक का उसका बच्चे का वजन एक महीने में बढ़ेगा। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि जब पैदा हुआ था उस समय कितना वजन था, और अंदाजा लगा सकते हैं कि एक महीने पर आपके बच्चे का वजन कितना होगा। अब बात करते हैं बच्चे की लंबाई की। ठीक है, जो बच्चे की जो लेंथ है वो हर हफ्ते उसमें डिफरेंस यानी कि आता है, हर हफ्ते उसकी लंबाई बढ़ती है। कितनी बढ़ती है, लगभग लगभग 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर हर हफ्ते जो है आपके बच्चे की, जो नवजात शिशु की जो लंबाई है बढ़ती है शुरुआत में। और जो उसका हेड सरकमफेरेंस है, यानी कि जो उसका सर का साइज है,
वो लगभग 1 सेंटीमीटर पर वीक के स्पीड से बढ़ता है, यानी आधा सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर, मिनिमम आधा सेंटीमीटर और मैक्सिमम 1 सेंटीमीटर तक का उसमें डिफरेंस हर हफ्ते आ सकता है। तो इस स्पीड से बच्चे की जो शुरुआती ग्रोथ है वो होती है। तो इसमें जो शुरुआत में वजन घटता है और उसके बाद बढ़ता है, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना, एक सामान्य प्रक्रिया है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और यूनिक भी होगी। हो सकता है आपने पहले इस बारे में ना भी सुना हो, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ भी सकते हैं। ऐसे काम की जानकारी आपको आगे भी इस चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।